वेलकम टू LMP सेवाज़ अकेडमी। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके हम लोग NCERT के क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपका ये लिखा हुआ है। इसमें हमें LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूफ करना है। चलिए तो अब हम लोग अपना LHS ले लेते हैं। LHS ये मेरा लिखा हुआ है। अब ऊपर आपका फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस साइन बी, जो आप लोग जानते होंगे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x + y/2 मतलब दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा 4x/2 मतलब 2x, साइन x माइनस वाई बाई टू तो x माइनस 3x करेंगे तो माइनस 2x/2 अपॉन, अगर मैं नीचे से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब आपके मन में आ रहा होगा तो आपने माइनस नीचे से कॉमन क्या क्यों लिया, मैंने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो देखिए अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, जिसको मैं cos 2x लिख पाऊँगा, इसीलिए मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। चलिए 2 cos 2x साइन ऑफ माइनस x क्या होता है, माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा आपका साइन x डिवाइडेड बाई माइनस cos 2x आ जाएगा ये आपका। अब आपका cos 2x cos 2x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पर, 2 sin x। क्या यही आपका RHS था? हाँ जी बिल्कुल, हमारा यही RHS था। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, कहाँ कहाँ सोचना था, क्या क्या फॉर्मूला लगाना था। पहला फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी का, जो कि आप लोगों को याद है बहुत अच्छे से, नहीं याद है मैं तो लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिए, 2 cos a + b/2 और साइन ए माइनस बी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट किया है, आपका यही चीज़ आएगा। नीचे मैंने क्या सोचा कि मुझे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला तो पता नहीं, और अगर मैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा देता हूँ तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला है ही नहीं तो ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो मुझे याद था कॉस टू एक्स फॉर्मूला। कॉस टू एक्स फॉर्मूला कैसे था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने बोला कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगा और इसके बदले मैं इसको पुटअप कर सकता हूँ। अब आप बोलो कि आपको देखते के साथ कैसे समझ में आ जाता है, तो ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस की, आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा किस सिचुएशन में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये तो आपका डिपेंड करता है पूरी पूरी तरीके से प्रैक्टिस पे। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार करिए। क्या सिखाना चाहता है वो सीखना ज़रूरी है ना। ये नहीं कि क्वेश्चन कर लिया और पता नहीं क्या क्या यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, वो सब पता ही नहीं है, तो आप उसे सीखे नहीं, बस आपने आंसर निकाल दिया। हमें आंसर तो निकालना ही बट सीखना भी है कि हमने ये चीज़ क्यों यूज़ करी, ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, ठीक है ना। तो आपका पक्का कन्फर्म बन जाएगा। चलिए अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक करिए, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल LMP सेवाज़ अकेडमी, जिसमें आपको इसी तरीके से लेक्चर्स मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।